जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। साप्ताहिक राशिफल में कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के 5 जुलाई से 11 जुलाई तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों का 5 जुलाई से 11 जुलाई तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और वो अपनी नाम राशि से ये राशिफल देख व सुन सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से अच्छा है अपनी सफलता पर ध्यान देकर बेहतर बना जाए। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। ये दार्शनिक विचारधारा वाले होते हैं। दूसरों की सहायता करना इनको बहुत पसंद होता है। दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति के बहुत धनी होते हैं। कोई भी बात हो, खरी खरी कह देने में ये लोग हिचकते नहीं हैं और ऐसा करते समय ये देश काल परिस्थिति का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इनको जीवन में संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करने से इनका भविष्य अच्छा बन जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये लोग विचलित नहीं होते। ये बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन इनकी सारी इच्छाएँ पूरी हों ऐसा कम ही हो पाता है। इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में कई कार्य करना चाहते हैं और ये सोच विचार वाले होते हैं। ये सोचते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले कि क्या करें और क्या ना करें। ये किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्ण योजना बनाते हैं, उसके बाद ही योजना बनाकर ही अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। प्यार के मामले में सच्चे होते हैं, पर प्यार शादी में बदलेगा ये थोड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और फिर ये कामयाब हो जाते हैं। हाँ, प्यार में साथ निभाने वाले सच्चे जीवन साथी होते हैं। प्यार में ईमानदार और समर्पित होते हैं कुंभ राशि वाले। चंद्रमा 5 जुलाई को मेष राशि में रहेंगे। 5 जुलाई को शाम को 6:59 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 6 और 7 जुलाई को वृषभ राशि में ही रहेंगे। 8 जुलाई को सुबह 7:41 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जुलाई को मिथुन में ही रहेंगे। 10 जुलाई को शाम 6:38 तक मिथुन में ही रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और 11 जुलाई को चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। तो 5 जुलाई को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ आपके भाग में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे। शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा, उसमें भी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में किसी से मुलाकात हो सकती है या दोस्ती भी संभव है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा 5 जुलाई का दिन। 6 और 7 जुलाई को वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में होंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। आपका चौथा भाव है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या पहले से प्लान किया है तो लें, लेकिन उनके कागजातों को अच्छे से चेक कर लें। कोई वाहन खरीदने का प्लान है तो लें, लेकिन उसको भी जांच परख कर लें। माता से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वाद विवाद भी संभव है। परिवार से तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार के साथ अच्छा समय भी बीतेगा, लेकिन कुछ कुंभ राशि वालों को वाहन से दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए वाहन ध्यान से चलाएं। 6 और 7 जुलाई को ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। 8 और 9 और 10 जुलाई को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में। इस समय आपका मन खुश रहेगा, शिक्षा में आप अच्छा करेंगे। अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आज के इन दिनों में 8, 9 और 10 को आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप कोई शिक्षा में अगर कोई एग्जाम वगैरह देंगे इस समय तो सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आपका पहले से कोई प्रेम संबंध है और शादी वगैरह की बात करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में की जा सकती है। आपके घर परिवार वाले मान भी सकते हैं। व्यापार कारोबार में स्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं, परिवर्तनशील है और व्यापार में अप एंड डाउन भी हो सकता है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और शादी की बात अगर आपकी पहले से चल रही थी तो
इन दिनों में पक्की भी हो सकती है, घर वाले हाँ भी कर सकते हैं। तो ये सब परिणाम मिल सकते हैं आपको 8, 9 और 10 जुलाई को। 11 जुलाई को चंद्रमा छठे भाव में कर्क राशि में रहेंगे, रेड रोग शत्रु का भाव है। इस समय शत्रु आपके आप पर हावी रहेंगे, किसी भी प्रकार के लेन देन से बचें। कोई कोर्ट कचहरी और कोई कानूनी, अगर आपके पहले कोई दिक्कतें चल रही हैं तो उनको ना छेड़ें। अगर कोई पुराना रोग है वो भी इस समय आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह का कुछ 11 जुलाई को आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे सप्ताह की बात करें 5 जुलाई से 11 जुलाई की, तो इस राशि के जो लोग हैं जिनको पहले कोई पाचन से जुड़ी समस्या थी, पेट से कोई जुड़ी समस्या थी, तो इस समय उनको इससे आराम मिल सकती है, क्योंकि आपकी राशि में गुरु का गोचर है और आप इस समय अपनी अच्छी दिनचर्या भी अपनाएंगे, क्योंकि गुरु आपकी राशि में रहेंगे। तो इन परेशानियों को से पार दिलाने में, मतलब इन परेशानियों से आपको पार दिलाने में गुरु की कृपा आपको मिलेगी। और इस सप्ताह आपके चौथे हाउस में राहु के गोचर के कारण आपकी आर्थिक स्थिति को भी कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। और सप्ताह के शुरू में पंचम भाव का स्वामी बुध राहु से पीड़ित भी रहेगा, इसलिए घर के बच्चों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके कारण वो अपना अधिक समय इधर उधर गेम खेलने, टीवी देखने में ऐसे बिता सकते हैं और इससे आपको तनाव होगा और बच्चों से भी आप बात विवाद कर सकते हैं। लेकिन इस समय ऐसा कुछ करने से बचें जिससे बच्चों के मन में आपके प्रति कोई नफरत उत्पन्न ना हो। इसके लिए अच्छा यही रहेगा किसी के साथ समय बिताएं और उन्हें सब बच्चों को समझाने का प्रयास करें। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण इस समय आपके द्वारा पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य है तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है और पार्टनरशिप का कार्य आपको इस टाइम फायदा भी देगा। लेकिन इसके लिए यह है कि बीच बीच में आपको अपने पार्टनर से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह संभावना कि आपको कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। किसी भी विषय पर कोई बात है तो अपने पार्टनर से खुलकर स्पष्ट रूप से करनी चाहिए, जिससे कोई दिक्कतों का सामना ना हो। और इस समय आपके पार्टनर आपकी बातों को सुनेंगे और आपका पार्टनरशिप का कोई भी कार्य है वो आपको लाभ देगा। आपको इस समय अपनी पर्सनल लाइफ में अप एंड डाउन रह सकता है, तो उसको आप बातचीत के जरिए सुलझाएं। उपाय की बात करें तो शनिवार को शाम को शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। और शनिवार वाले दिन किसी गरीब मजदूर को काले उड़द की दाल दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल 5 जुलाई से 11 जुलाई के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा, अंतर दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।